तो सारी। आपने कार, बाइक, बस की सवारी तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपने कभी खटिया की सवारी देखी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुजालपुर के एक गांव की, जहां ग्रामीण खटिया पर सफर करते हैं। बारिश के दिनों में खटिया यहां के लोगों की सवारी बन जाती है। गांव में गर्भवती महिला हो या कोई बीमार या बच्चे को स्कूल भेजना हो, सफर के लिए खटिया ही काम आती है। जाते जाते देखिए एक और रिपोर्ट। अब तक आपने पानी में नाव की सवारी देखी होगी, आज हम आपको दिखाएंगे खटिया की सवारी। शुजालपुर अनुभाग में एक गांव ऐसा भी है जहां बारिश के दिनों में ग्रामीणों को रोजाना नदी पार करनी पड़ती है। गांव तक पहुंचने के लिए 5.5 किलोमीटर की सड़क और पुल की मांग ग्रामीण कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह से भी 3 साल पहले ग्रामीणों ने मिलकर सड़क और पुलिया बनाने की मांग रखी थी, जिसे सीएम ने जल्द बनाए जाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक इनकी ये मांग पूरी न हो सकी। गांव तक पहुंचने के लिए बीच में नदी भी आती है, नदी पार करने के लिए ग्रामीणों को खटिया का सहारा लेना पड़ता है। हम मरीज ज्यादा बीमार है, इनको ले जाते हैं और ऐसे स्कूल के बच्चों को भी रात दिन छोड़ते हैं। ज्यादा पानी आ जाता खाल में तो स्कूल बंद रहता है। यहाँ से बारिश में बहुत ही लम्बा समस्या, और जिसके बारे में अभी जो है 3 साल पहले सीएम साहब आए थे, उन्हें पुल की भी घोषणा करी थी और उसका सर्वे भी हो गया है। मुरादपुर लौंदिया, जिसे ग्राम पंचायत का दर्जा भी प्राप्त है और जिसकी आबादी 2000 के लगभग है, इस गांव तक पहुंचने के लिए 5.5 किलोमीटर का कच्चा सफर तय करना पड़ता है। कीचड़ भरे इस रास्ते पर बाइक का चलना भी मुश्किल है। गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी हैं, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। छोटे बच्चों के लिए ग्रामीणों ने खटिया की व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाती है। ग्रामीण खटिया पर बच्चों को बिठा कर स्कूल भेजते हैं। जनपद को किया गया, पंचायतों को किया गया, सभी जगह सभी को अलर्ट किया गया है। अब दूसरी तरफ कि जो भी नदी के दो पार्ट हों, नाले के दो पार्ट हों, दोनों तरफ जब पानी ऊपर में हो तो इधर से उधर क्रॉस करने के लिए सख्त मनाही है। बड़े विकास के दावे करने वाले शिवराज सरकार के दावे की पोल ये खटिया खोल रही है, जिसके बिना इन गाँव वालों का गुजारा नहीं। पुरुषोत्तम परवानी, इंडिया न्यूज, शुजालपुर।